विश्व विरासत दिवस के अवसर पर आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आज कुरुक्षेत्र के शेख चिल्ली मकबरे में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण चंडीगढ़ मंडल की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में स्कूली छात्र छात्राओं को विरासतों की विविधता और संरक्षण की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कुरुक्षेत्र पैनोरमा विज्ञान केंद्र के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर KS नेहरू ने कहा कि धरोहर हम सबकी साझी संपत्ति है, हमें हमारी सांस्कृतिक परंपरा को जानने और स्मारकों को संरक्षित करने की जरूरत है। समझने के लिए जो जरूरत है, जो हमारा कल्चर के बारे में हम बात करते हैं, सांस्कृतिक विरासत, इसकी जो मॉन्यूमेंट्स जो होता है, इसकी प्रतीका होता है। जो पुराना जमाना में जो हमारा पूर्वज थे, वो कैसे थे, कहाँ रहते थे और कैसे उनकी जीवन चलते थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण चंडीगढ़ मंडल की अधीक्षण पुरातत्वविद ने कहा कि इस आयोजन में स्कूली छात्र छात्राओं ने बड़े उत्साह के साथ हिस्सा लिया और इससे ये संदेश दिया गया है कि इन स्मारकों के संरक्षण और सहेजने में हम सब योगदान दें। हम लोग संदेश देता है कि सारा सिटीजन जो है ये प्रोग्राम में आके मॉन्यूमेंट को क्या टेकअप करना है, सिटीजन के लिए क्या क्या ज़रूरत है, हेरिटेज को देखभाल करने के लिए संदेश दिया गया है। इस बार चंडीगढ़ सर्कल की तरफ से हमने शेख चिल्ली मकबरे को चुना है और ये मॉन्यूमेंट्स भी 16वीं शताब्दी का है, तो 16वीं शताब्दी से लेके आप देख सकते हैं लगभग 400 साल हो गए हैं, तो इसको संजोए रखना बड़ा यानी कि बहुत ही मुश्किल काम है और ASI ये काम यानी कि बड़े अच्छे तरीके से कर रही है। कार्यक्रम में हिस्सा ले रही छात्रा ने कहा कि इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने से उन्हें स्मारकों के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। कुल हम यहाँ से मकबरे में कल वर्ल्ड हेरिटेज डे मना रहे हैं, हमें यहाँ बहुत अच्छा लगा, यहाँ बहुत अच्छे पेंटिंग कॉम्पिटिशन और कल्चर से रिलेटेड प्रोग्राम हुए थे।